भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही 3 नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। मान्यता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण भगवान चंद्रदेव ने करवाया था। ऐसी ही कई अन्य मान्यताएं और कथा आपको बताएंगे, साथ ही इस मंदिर में स्थित भगवान सोमनाथ के दर्शन भी आप सभी को करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर आप रोजाना भारत के कई बड़े मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2Fact YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस मंदिर से जुड़ी कथा सुनाते हैं जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता यानी कि प्रजापति दक्ष को सुनाई। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होकर उनके हृदय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तो अंत में दक्ष ने कुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र जगत में हाहाकार मच गया। सभी देवगण और ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रदेव ने अपनी अस्वस्थता और उसके कारणों की सूचना इंद्रदेव और आदि सभी देवताओं और ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय सुझाया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवी देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में जाए। वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करे। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करने के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार के श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। अंततः मध्य का मार्ग निकाला गया। उन्होंने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व को प्राप्त होगे। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की।
ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा का एक और नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ यानी कि स्वामी मानकर यहाँ पर तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। भगवान शिव के इस पावन दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन तमाम धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यह हर सृष्टि काल में यहीं पर मौजूद रहा है। इस मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने लूटा है और पूरी तरह से नष्ट किया है, लेकिन जितनी बार इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई उतनी ही बार इसे और अधिक भव्य तरीके से बनाया गया है। देश के आजाद होने के बाद भगवान शिव के इस पावन ज्योतिर्लिंग का भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे साथ बोलिए जय श्री सोमनाथ।